गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है इंग्लिश का थर्ड चैप्टर है फोर्थ क्लास के लिए। चैप्टर का नाम है द डिवाइडेड हॉर्स क्लॉथ्स, द डिवाइडेड हॉर्स क्लॉथ्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। स्टोरी शुरू करते हैं। कह रहा है वंस देयर लिव्ड ए रिच मर्चेंट इन ए स्मॉल टाउन ऑफ फ्रांस। एक दिन की बात है, वंस मतलब कि कह रहा है कि वंस देयर लिव्ड ए रिच मर्चेंट। एक बार की बात है कि जो है वहाँ पे एक रिच मर्चेंट, एक धनी व्यापारी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी होता है जो खरीदते और बेचते हैं सामान को, उसको मर्चेंट बोलते हैं। रिच मीन्स धनी, व्यापारी रहता था इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन में, कस्बे में ऑफ फ्रांस, फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में एक धनी व्यापारी रहता था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली, उसका एक छोटा सा परिवार था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली, उसका एक छोटा सा परिवार था। वाइफ एंड क्यूट लिटिल सन, उसकी वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, और एक खूबसूरत मतलब कि अच्छी जो है लिटिल सन, मतलब अच्छा जो है लिटिल सन था, मतलब एक छोटा सा क्यूट प्यारा सा एक बच्चा था, एक उसका बेटा था। अनफॉर्चुनेटली मतलब कि दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, सम पावरफुल मैन, कुछ जो है ताकतवर जो लोग थे ऑफ द टाउन, उस टाउन के, उस कस्बे के, बिकेम हिज इनिमीज, उसके दुश्मन बन गए। मतलब कि जो कुछ पावरफुल, जो क्रुक्स टाइप लोग थे, वो उसके दुश्मन बन गए। ठीक है, सो लाइक ए वाइज मैन, इसीलिए एक जो है बुद्धिमान आदमी की तरह, ही लेफ्ट द टाउन, उसने टाउन छोड़ दिया, विथ हिज वाइफ एंड सन, अपने बच्चे और बीबी के साथ उसने उस टाउन को, उस कस्बे को छोड़ दिया। एंड वेंट टू लिव इन पेरिस, और वो चला गया पेरिस में रहने के लिए। ठीक है, वो पेरिस रहने के लिए वो चला गया। ठीक, पेरिस भी एक जो है जगह है, ठीक है, देश है पेरिस, तो वहाँ पे वो रहने के लिए चला गया। पहले फ्रांस में था और पेरिस में चला गया। द मर्चेंट वर्क हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, जो मर्चेंट था बहुत कठिन परिश्रम किया, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम किया, वो व्यापारी था, बहुत कठिन परिश्रम किया, फॉर मैनी ईयर्स मतलब कई सालों तक उसने कठिन परिश्रम किया। हिज हार्ड वर्क एंड हम्बल नेचर, जो उसका कठिन परिश्रम था, हिज हार्ड वर्क कठिन परिश्रम था, एंड हम्बल नेचर, जो उसका हम्बल नेचर मतलब कि काइंड मतलब दयालुता जो थी, दयालु तरह की उसकी प्रवृत्ति थी, नेचर था, मेड हिम पॉपुलर, उसको जो है पॉपुलर बना दिया, मतलब कि जो उसको जो है विख्यात कर दिया, पॉपुलर कर दिया उसको। अमोंग हिज नेबर्स, मतलब कि उसके पड़ोसियों में उसको जो है पॉपुलर कर दिया, उसका हम्बल नेचर और जो है हार्ड वर्किंग जो था उसको पॉपुलर कर दिया। ही लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी खुशी रहने लगा। बट आफ्टर सम ईयर्स, लेकिन कुछ साल बाद, हिज वाइफ डाइड, उसकी वाइफ थी वो डाइड मतलब मर गई, ड्यू टू ए डिजीज़, एक बीमारी के कारण उसकी जो वाइफ थी वो मर गई, उस मर्चेंट की वाइफ डेड हो गई, मर गई वो। ठीक है, फिर कह रहा कि द मर्चेंट्स सन ग्रू इनटू ए हैंडसम यंग मैन, जो मर्चेंट का सन था, उसका जो पुत्र था, बेटा था, ग्रू मीन्स बड़ा हुआ, इनटू ए हैंडसम, एक बहुत ही हैंडसम मतलब खूबसूरत यंग मैन के रूप में वो बड़ा हुआ, जब बड़ा हुआ तो एक हैंडसम बना, बंदा बना वो। द फादर फाउंड ए वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, उसके जो पिता थे वो उनको मिली एक बहुत ही खूबसूरत जो है लड़की, ब्यूटिफुल गर्ल, एज ए ब्राइड, एक दुल्हन के रूप में, फॉर हिज सन मतलब कि उसके पुत्र के दुल्हन के रूप में उसको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली। बट द गर्ल्स फादर पुट ए कंडीशन, लेकिन जो गर्ल्स के उस जो है लड़की के पिता थे, उन्होंने एक कंडीशन रखा, एक शर्त रखा, कंडीशन रखा, तभी मैं शादी करूंगा, ये कंडीशन रखा। क्या कंडीशन रखा? आई कैन अलाउ माई डॉटर्स मैरिज, उसने कहा कि मैं अलाउ कर दूंगा अपने डॉटर्स मैरिज, अपने बच्ची की शादी मैं कर दूंगा, विथ योर सन, तुम्हारे पुत्र के साथ, तुम्हारे बेटे के साथ, वनली इफ़ यू ट्रांसफ़र ऑल योर वेल्थ टू योर सन्स नेम, केवल तभी मैं मतलब शादी करूंगा जब तुम जो है पूरा अपना वेल्थ, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना पूरा धन संपत्ति जो है अपने बेटे के नाम से ट्रांसफ़र कर दोगे,
तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र से कर दूंगा, उसने एक कंडीशन रखा। ठीक है, ट्रांसफर मीन्स स्थानांतरण होता है, मतलब वही ट्रांसफर करना। देन यू शैल हैव नो लीगल राइट ऑन योर वेल्थ, कह रहा कि जो है तब तुम्हारे पास जो है तुम्हारा कोई लीगल राइट जो है संवैधानिक जो है अधिकार नहीं रहेगा तुम्हारे वेल्थ पे, तुम्हारे संपत्ति पे जब तुम ट्रांसफ़र कर दोगे। तो इसमें लीगल राइट मीन्स वैधानिक जो है पावर, मतलब कि जो है अधिकार कह सकते हैं, वेल्थ मीन्स संपत्ति पे। द मर्चेंट बिकेम क्वाइट फॉर ए वाइल एंड देन रिप्लाइड, जो मर्चेंट था तो पहले तो वो बहुत थोड़ा शांत हुआ, कुछ देर के लिए शांत रहा, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए शांत रहा, एंड देन रिप्लाइड और उसके बाद उत्तर दिया, आई विल बी डन एज यू वॉन्ट, उसने कहा कि जैसा भी तुम चाहते हो वैसा मैं कर दूंगा, मतलब जो तुम चाहते हो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना मैं वो ट्रांसफ़र कर दूंगा। दस द मर्चेंट सन्स वॉज मैरिड टू दैट ब्यूटिफुल गर्ल, इस तरह से जो है द मर्चेंट सन, जो मर्चेंट का जो व्यापारी का बेटा था, वॉज मैरिड, वो शादी कर लिया दैट ब्यूटिफुल गर्ल, उस खूबसूरत लड़की से उसने शादी कर लिया। दे लेड ए हैप्पी मैरिड लाइफ, वो रहने लगे, दे लेड ए हैप्पी मैरिड लाइफ, मतलब वो उनका समय बीतता गया, मतलब कि एक खुशहाल जो शादीशुदा ज़िंदगी उनकी बीतती चली गई। लेड मीन्स जो है आगे होना, बढ़ना, आगे बढ़ना। आफ्टर थ्री ईयर्स, तीन साल बाद ये सन वॉज बॉर्न टू देम, एक जो है बेटा जो है उनको पैदा हुआ, मतलब कि जो है जो शादी किए थे मर्चेंट का जो लड़का था जो शादी किया था उसका एक बेटा पैदा हुआ तीन साल बाद ही। दे नेम्ड हिम, उसका नाम रखा गया, दे नेम्ड हिम लूसीफर, क्या रखा गया उसका नाम, लूसीफर उसका नाम रखा गया। द ओल्ड मैन आल्सो कॉन्टिन्यूड टू लिव विथ देम, जो बूढ़ा आदमी था वो भी उनके साथ रहने लगा। कॉन्टिन्यूड मीन्स कि लगातार जारी रखने के लिए होता है, कॉन्टिन्यू टू लिव विथ देम, वो उनके साथ रहने लगा। बट सून ही रियलाइज्ड, लेकिन जल्दी ही उसने रियलाइज किया, उसने महसूस किया दैट ही हैड नॉट बीन वाइज टू गिव ऑल हिज वेल्थ टू हिज सन, उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, उसने महसूस किया, जल्दी ही उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट ही हैड नॉट बीन वाइज टू गिव, उसने कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं किया, ही हैड नॉट बीन वाइज टू गिव, बुद्धिमानी का काम नहीं किया, दे के, गिव मीन्स दे के ऑल हिज वेल्थ, अपना पूरा वेल्थ, अपनी पूरी प्रॉपर्टी टू हिज सन, अपने बेटे को, उसने सोचा, मतलब कि उसको रियलाइज़ हुआ कि जो उसने पूरी प्रॉपर्टी थी अपनी जो अपने को बेटे को दे दिया, ये दे के जो है उसने बुद्धिमानी वाला काम नहीं किया, उसको नहीं देना चाहिए था, उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया इस चीज़ को कि उसको नहीं देना चाहिए था। ही हैड टू फेस इंसल्ट्स एंड चिडिंग्स ऑलमोस्ट डेली, वो जो है ही हैड टू फेस, उसको फेस करना पड़ता था, उसको सामना करना पड़ता था किस चीज़ का, इंसल्ट का, उसकी बेइज्जती भी होती थी, एंड चिडिंग्स ऑलमोस्ट डेली, और उसको स्काउल भी किया जाता था, उसको फटकारा भी जाता था, चिडिंग्स की जाती थी उसको डेली, लगभग लगभग डेली जो है उसको जो है फटकार भी पड़ती थी उस बूढ़े आदमी को, उस ओल्ड मर्चेंट को फटकार भी पड़ती थी उस, ठीक है, तभी वो सोच रहा था कि उसको पूरा वेल्थ नहीं ट्रांसफ़र करना चाहिए था। ईयर्स पास्ट, मतलब कि साल गुजरते गए, ईयर्स पास्ट, पास्ट मीन्स गुजरना। द मर्चेंट ग्रू इनटू ए बेंट ओल्ड मैन, जो मर्चेंट था ग्रू, ग्रू मीन्स हो गया, उसे बढ़ना होता है, ग्रू मीन्स उगना होता है, इनटू ए बेंट, बेंट मीन्स झुका होना, ओल्ड मैन, तो जैसे कि दिन गुजरते गए तो क्या हुआ, वो जो मर्चेंट था वो बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा हो गया तो वो झुक गया, उसकी जो रीढ़ की हड्डी बेंड हो गई, टेढ़ी हो गई, तो वो झुका हुआ एक बूढ़ा आदमी बन गया। जैसे कि नॉर्मली कुछ जो है लोग बूढ़े होते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बेंड हो जाती है, तो ऐसे झुक के चलते हैं, तो वैसे ही वो भी हो गया, बेंड हो गया उसकी जो है, उसकी जो है उसका शरीर बेंड हो गया। ही इंजॉयड टू बी विथ हिज ग्रैंड सन हु वॉज नॉट ए टॉल बॉय, कह रहा कि ही इंजॉयड टू बी विथ हिज ग्रैंड सन, वो इंजॉय करता था जो है कभी कभी जो है अपने हिज ग्रैंड सन, अपने जो उसका ग्रैंड सन था, उसका जो नाती था, ठीक है, तो उसके साथ जो है खेलता वगैरह था।
हु वॉज नॉट ए टॉलबॉय, जो कि बहुत बड़ा बच्चा नहीं था, उसके साथ वो जो है इंजॉय करता था। बट हिज डॉटर इन लॉ वॉज ए हॉरिबल लेडी, लेकिन बट हिज डॉटर इन लॉ जो उसकी बहू थी, डॉटर इन लॉ मीन्स बहू मीन्स कि जो उसके बेटे की पत्नी थी उसको डॉटर इन लॉ कह रहा है, वॉज ए हॉरिबल लेडी, वो क्या थी, एक ही बहुत ही हॉरिबल डरावनी लेडी थी, औरत थी, ठीक है, वो बहुत डरावनी औरत थी। सी फाउंड ए फॉल्ट विथ एवरीथिंग, उसको जो है वो पा जाती थी ये फॉल्ट, एक गलती जो है विथ एवरीथिंग, मतलब कि हर एक चीज़ में जो भी जो है द ओल्ड मैन डिड आर सेड, जो भी वो बूढ़ा आदमी करता था या कहता था उस हर एक चीज़ में उसको गलती मिल जाती थी। कह रहा है सी फाउंड ए फॉल्ट, उसको गलती मिल जाती थी विथ एवरीथिंग, हर एक चीज़ में। द ओल्ड मैन डिड मीन्स डू डिड डन, जो भी वो आदमी करता था, डिड मीन्स करना, सेड मीन्स कहना, जो भी वो करता था या कहता था उसमें हर एक चीज़ में उसको गलती मिल जाती थी। सी केप्ट आस्किंग हर हस्बैंड टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड मैन, सी केप्ट आस्किंग, वो अपने जो है हस्बैंड से, हर हस्बैंड अपने हस्बैंड से कहती रहती थी, उसको बोलती रहती थी अपने हस्बैंड को, टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड मैन, कि इस जो बूढ़े आदमी से छुटकारा पा जाओ, रिड मीन्स छुटकारा पाना, ठीक है। तो हमेशा अपने हस्बैंड से बोलती थी कि यार इस बूढ़े आदमी से छुटकारा दिलाओ उनको, ठीक है, यहाँ से भगाओ इसको। वन डे सी सेड, एक दिन उसने कहा, सी सेड मतलब उसकी जो है बहू थी, उसने कहा, डियर हबी जस्ट थ्रो द ओल्ड मैन आउट ऑफ द हाउस, अपने हस्बैंड को बोली, हबी हस्बैंड को बोली, जस्ट थ्रो द ओल्ड मैन, अब जो है इस ओल्ड मैन को बाहर फेंको, थ्रो द ओल्ड मैन आउट ऑफ द हाउस, इस घर से बाहर करो इस बूढ़े आदमी को, ठीक है, अब नहीं चलेगा, इस बूढ़े आदमी को बाहर करो। आई डो नॉट लाइक हिम, मुझे वह पसंद नहीं है। आई लूज ऑल माई पीस एंड एपेटाइट, हमने अपना पीस जो शांति थी और एपेटाइट जो भूख थी वो हमने लूज़ कर दिया, वो हमने खो दिया, हम ना हमको भूख लगती है ना जो है शांति मिलती है हमको। एट द साइट ऑफ हिम, जब मैं उसको देख लेती हूँ तो ना मुझे भूख लगती है ना हमको शांति मिलती है, ठीक है, एट द साइट ऑफ हिम, ठीक। द सन सेट टू हिज फादर, तो सन उस बेटे ने जो है मर्चेंट के बेटे ने अपने फादर से कहा, अपने पिता से कहा, लीव दिस हाउस एंड फाइंड ए न्यू प्लेस फॉर योर सेल्फ, उसने बोला कि लीव दिस हाउस, इस घर को छोड़ दो, एंड फाइंड ए न्यू प्लेस, और एक नई जगह कोई ढूंढ लो, प्लेस जो ढूंढ लो फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। वी कैनॉट अफोर्ड यू एनी मोर, मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अब जो है सह नहीं सकता, तुम्हारा खर्चा वर्चा मैं नहीं उठा सकता, तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता एनी मोर, अब जो है तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। द ओल्ड मर्चेंट बेग्ड हिज सन नॉट टू टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस, जो ओल्ड मर्चेंट था वो बैग किया, भीख तक मांगा कि मुझे इस घर से बाहर मत करो, ठीक है, बैग किस चीज़ की किया, हिज सन अपने पुत्र से किस चीज़ की भीख मांगा, वो नॉट टू टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस, कि उस घर से उसे ना निकालो। फेयर सेल आई गो सन, उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा पुत्र, सेल फेयर सेल आई गो सन, पुत्र, सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा, हु सेल कीप मी इन माई ओल्ड एज, हु सेल कीप मी, कौन रखेगा हमको इन माई ओल्ड एज, इस बूढ़े जो है इस बुढ़ापे में, ओल्ड एज में हमको कौन रखेगा अपने पास। बट द सन वॉज रिजिड, लेकिन जो सन था वो रिजिड था, एक कठोर व्यक्ति था, उसने कहा नहीं तुम जाओ। ही थॉट दिस वॉज ए वे टू प्रूव दैट ही लव्ड हिज वाइफ, क्योंकि वो सोच रहा था, यही सोच रहा था ना, ही थॉट दिस वॉज ए वे, मतलब यही एक तरीका है टू प्रूव दैट, ये सिद्ध करने के लिए कि ही लव्ड हिज वाइफ, कि वह अपनी वाइफ को प्यार करता है। हाफ डेड विथ हिज सन्स बिहेवियर, हाफ डेड विथ हिज सन्स बिहेवियर, मतलब कि जो है अधमरा हो चुका था वो अपने सन्स के, अपने बेटे के बिहेवियर से, व्यवहार से, जो अधमरा हुआ जो व्यक्ति था, द मर्चेंट था, द मर्चेंट प्रिपेयर टू लीव, वो तैयार हुआ घर छोड़ने के लिए, प्रिपेयर हुआ, तैयार हुआ घर छोड़ने के लिए,
ठीक है, विथ टीयर्स इन आइज, उसकी आँखों में आंसू थे। द मर्चेंट सेड टू हिज सन, जो मर्चेंट था वो व्यापारी था, सेड टू हिज सन, अपने बेटे से बोला, सन बेटा, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, मतलब कि बाहर बहुत सर्दी है। वेरी कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, वेरी कोल्ड मीन्स बहुत सर्दी है। प्लीज़ गिव मी सम क्लॉथ, कृपया हमको कुछ कपड़े दे दो, क्लॉथ मीन्स कपड़े। इज़ दिस ए चैरिटी हाउस, वी डोंट हैव एनी क्लॉथ फॉर यू, सेड हिज डॉटर इन लॉ इन ए रूड वॉइस। कह रहा है इज़ दिस ए चैरिटी हाउस, क्या ये है? मतलब कि जो है चैरिटी का घर है, दान देने वाला घर है ये। वी डोंट हैव एनी क्लॉथ, हमारे पास कोई कपड़ा नहीं है फॉर यू, तुम्हारे लिए। सेड हिज डॉटर इन लॉ, उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, उसकी जो बहू थी, उसने बोला इन ए रूड वॉइस, एक रूड मीन्स कठोर, एक जो है मतलब कि दिल दहला देने वाली वॉइस में जो है इस तरह से उसको डांटा, स्कैंडल किया, मतलब कि फटकारा उसको। बट द सन एग्रीड टू गिव हिज फादर ए हॉर्स क्लॉथ, लेकिन जो सन था, बेटा जो उसका बेटा था, एग्रीड टू गिव, वो सहमत हुआ कि चलो ठीक है, अपने पिता को दे देते हैं एक हॉर्स क्लॉथ, एक घोड़े का जो घोड़े के ऊपर से डालते हैं ऐसा कपड़ा इसको दे देते हैं। ही ऑस्ट हिज सन, उसने अपने बेटे से बोला, जो उसका छोटा बेटा था उससे बोला, लूसीफर गो टू द अस्तबल एंड ब्रिंग द न्यू हॉर्स क्लॉथ दैट आई ब्रॉट लास्ट मंथ एंड गिव इट टू योर ग्रैंडफादर। उसने कहा लूसीफर, उस लूसीफर उस बच्चे का नाम था जो छोटा बच्चा था, गो टू द अस्तबल, अस्तबल में जाओ एंड ब्रिंग द न्यू हॉर्स क्लॉथ, और जाके लेके आओ एक नया सा जो हॉर्स क्लॉथ था, मतलब घोड़े का जो कपड़ा था, दैट आई ब्रॉट लास्ट मंथ, जो कि मैं पिछले महीने लेके आया था, एंड गिव इट टू योर ग्रैंडफादर, और इसको जो अपने ग्रैंडफादर को दे दो, अपने जो बाबा को दे दो। लूसीफर हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस हॉर्स बिहेवियर, लूसीफर जो वॉच कर रहा था, देख रहा था ऑल दिस हॉर्स बिहेवियर, ये जो बुरा व्यवहार था उसका, उसके पेरेंट्स का, ऑफ हिज पेरेंट्स साइलेंटली, जो उसके जो है पेरेंट्स थे जो हॉर्स बिहेवियर कर रहे थे अपने पिता के साथ, मतलब इसके बाबा के साथ, लूसीफर के बाबा के साथ, तो साइलेंटली जो है मतलब कि एकदम चुपचाप वो देख रहा था, ये सब देख रहा था। ही लुक्ड एट हिज ग्रैंड फादर एंड सेड, उसने अपने ग्रैंड फादर की तरफ देखा, ही लुक्ड एट हिज ग्रैंड फादर एंड सेड, और बोला ग्रैंडफा कम विथ मी, हमारे साथ आओ, कम विथ मी, हमारे साथ आओ, ग्रैंडफा हमारे साथ आओ। विथ हैवी हर्ट, मतलब कि भरे हुए दिल से उसने कहा कि अच्छा बाबा जी आप हमारे साथ आओ। द ओल्ड मैन हेडेड टॉवर्ड्स द अस्तबल विथ हिज ग्रैंडसन, जो ओल्ड मैन था हेडेड टॉवर्ड्स द अस्तबल, मतलब कि वो उसका सर जो है हेडेड हुआ टॉवर्ड्स द अस्तबल, अस्तबल की तरफ जो है, विथ हिज ग्रैंडसन, वो फिर हुआ और चल दिया वो अपने ग्रैंडसन के साथ, अपने नाती के साथ वो चल दिया। द बॉय चूज द बेस्ट हॉर्स क्लॉथ ही कुड फाइंड देयर, बच्चे ने चूज किया, मतलब कि चुना एक बेस्ट हॉर्स क्लॉथ, जो सबसे बढ़िया मतलब सबसे अच्छा हॉर्स का क्लॉथ था, ही कुड फाइंड देयर, जो भी वो पा सका, जो सबसे अच्छा था उसको चुना वो। देन ही फोल्डेड इट इन टू टू, तब उसने फोल्ड किया एक दो ग्रुप में, मतलब कपड़ा था ऐसे पूरा कपड़ा था, इसको दो ग्रुप में ऐसे चूज के फोल्ड किया। ही टुक आउट हिज नाइफ एंड डिवाइडेड द हॉर्स क्लॉथ इन टू टू हाफ्स, कह रहा ही टुक आउट हिज नाइफ, उसने अपना चाकू निकाला, नाइफ को बाहर निकाला, एंड डिवाइडेड द हॉर्स, हॉर्स को जो है हॉर्स क्लॉथ को, जो हॉर्स क्लॉथ मतलब घोड़े वाला कपड़ा था, उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया, काट दिया इन टू टू हाफ्स, दो पीस में, दो भाग में उसने काट दिया। ही गेव वन हाफ टू हिज ग्रैंड फादर, उसने एक हाफ जो था अपने ग्रैंड फादर को दिया, जो आधा था जो अपने ग्रैंडफादर को दे दिया। एंड केप्ट द अदर हाफ विथ हिमसेल्फ, और जो दूसरा आधा बचा हुआ था वो अपने पास रख लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसने कहा माई डियर लूसीफर व्हाट हैव यू डन, व्हाई हैव यू कट द हाफ क्लॉथ, यू आर बीइंग वेरी क्रूअल टू मी। कह रहा कि माई डियर लूसीफर, जो उसके बाबा ने उससे कहा कि प्रिय लूसीफर
व्हाट हैव यू डन, तुम क्या कर, कर तुमने क्या कर दिया। यू व्हाई हैव यू कट द हाफ क्लॉथ, तुमने इस क्लॉथ को आधे आधे में क्यों डिवाइड कर दिया। यू आर बीइंग वेरी क्रूएल टू मी, तुम हमारे साथ बहुत ही जो है बुरा व्यवहार कर रहे हो, क्रूएल बिहेवियर कर रहे हो, क्रूएल टू मी बुरा बर्ताव कर रहे हो। आई विल गो टू योर फादर, मैं तुम्हारे पिता के पास जाऊंगा। एंड टेल हिम, मैं उनको बताऊंगा व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या किया है। ठीक है, सेड द ओल्ड मर्चेंट, उस ओल्ड मर्चेंट ने, उस बूढ़े जो है व्यापारी ने कहा, किससे कहा, अपने नाती के साथ, अपने ग्रैंड सन से कहा। क्या कहा कि ये तुम क्या किए हो, तुमने इसको क्यों आधा आधा कर दिया, ये तुम हमसे बुरा व्यवहार कर रहे हो, मैं तुम्हारे जो है पापा से मैं ये सब जाके बोलूँगा। ठीक है, द ओल्ड मैन वेंट बैक टू हिज सन एंड कंप्लेंड टू हिम अबाउट लूसिफर्स बिहेवियर। जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, गया अपने बेटे के पास, वेंट बैक टू हिज सन, वापस गया अपने बेटे के पास, एंड कंप्लेंड और उससे कंप्लेंट किया, उसकी शिकायत की, कंप्लेंट में शिकायत की, टू हिम किससे, उससे अपने बेटे से, अबाउट लूसिफर्स बिहेवियर, किसके बारे में कंप्लेंट किया, लूसिफर के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, लूसिफर ने ऐसा किया। ऑन हियरिंग, सुनने के बाद, व्हाट लूसिफर हैड डन, लूसिफर ने क्या किया, द फादर वॉज ए लिटिल एंग्री। जो ऑन हियरिंग व्हाट लूसिफर हैड डन, जब सुना कि लूसिफर ने क्या किया है, तो द फादर वॉज ए लिटिल एंग्री, जो पिता थे थोड़ा सा गुस्सा है। ही आस्क्ड लूसिफर टू गिव द अदर हाफ, ही आस्क्ड लूसिफर, उसने लूसिफर से कहा टू गिव द अदर हाफ, जो दूसरा हाफ था उसको भी देने के लिए, टू हिज ग्रैंडफादर, कि जो दूसरा हाफ बचा हुआ है, जो आधा बचाए हो उसको भी जो है अपने ग्रैंडफादर को दे दो। तुमने क्यों रख लिया, तुमने ऐसा क्यों बिहेवियर किया, उसने डांटा होगा उसके बेटे ने अपने उसके नाती को। ठीक है, लूसिफर लुक्ड एट हिज फादर एंड रिप्लाइड, लूसिफर ने देखा, लुक मीन्स देखना, एट हिज फादर, अपने पिता को देखा, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, आई विल नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, आई विल नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इफ आई विल गिव दिस हाफ क्लॉथ टू ग्रैंडपा, अगर मैं जो है, आई विल गिव दिस हाफ क्लॉथ, अगर मैं दे दिया जो आधा एक कपड़ा है, जो बचा हुआ कपड़ा है, टू ग्रैंडपा, जो है ग्रैंडपा को हमने दे दिया, देन आई वुड बी लेफ्ट विथ नथिंग, तब क्या होगा, आई वुड बी लेफ्ट विथ नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, टू गिव यू, आपको देने के लिए, व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप बूढ़े होंगे, जस्ट एज यू हैव आस्क्ड योर फादर, जैसा कि तुमने अपने फादर से बोला है, टू लीव द हाउस, मतलब घर छोड़ने के लिए, जैसा कि तुमने अपने पापा से बोला है, सो आई विल आस्क यू वन डे, तो इसी तरह मैं भी तुमसे एक बार एक दिन कहूँगा, आई विल आस्क यू वन डे, मैं भी एक दिन तुमसे कहूँगा, वुडंट आई नीड द हॉर्स क्लॉथ देन, तब क्या हमको एक इस हॉर्स क्लॉथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि आपने अपने पापा को जाने के लिए बोला, तो आधा हमने उनको दे दिया, इसलिए आधा बचा लिया कि जब आपको मैं बोलूँगा जाने के लिए, तो इस कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव केप्ट इट फॉर यू फादर, इसको मैंने आपके लिए ही रखा है, जो है पिता, फादर, पापा। द फादर लुक्ड इन सरप्राइज, जो पिता थे बड़े ही सरप्राइज में देखा उन्होंने, एट द लूसिफर, लूसिफर को, द होल मैटर ओपेंड हिज आइज, जो पूरा मैटर था, पूरा मामला था, ओपेंड हिज आइज, वो जो है वो उसके सामने आ गया, आंखों के सामने आ गया खुल के। ही फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी महसूस किया, फॉर व्हाट ही हैड डन टू हिज फादर, जो भी जो है उसने अपने पिता के लिए किया था, उसके लिए उसको महसूस हुआ कि नहीं, ये हमने गलत किया, सॉरी फील किया उसने। ही फेल एट हिज फीट, वो उनके पैरों पे गिर गया, अपने पिता के पैरों पे वो गिर गया, एंड बेग्ड, और भीख मांगा, मतलब कि उससे जो है वंदना की, मतलब कि रिक्वेस्ट किया, फादर प्लीज़ फॉरगिव मी, पिता जो है प्लीज़ कृपया हमको माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, फॉरगिव मी, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था,
एवरीथिंग इन दिस हाउस इज़ योर्स, इस घर में जो भी कुछ है, एवरीथिंग जो भी कुछ है, हर एक चीज़ ये आपका है। डोंट लीव अस एंड गो, मतलब कि जो है हमको छोड़ के मत जाओ। डोंट लीव अस एंड गो, प्लीज़ स्टे विथ मी, कह रहा कि हमको छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ स्टे विथ मी विथ अस, हमारे साथ ही रुके रहो, हमारे साथ ही रहो। उसने कहा प्लीज़ स्टे, स्टे मीन्स रुकना, विथ अस हमारे साथ ही रुको। हिज टीयर्स वॉस्ड ऑफ ऑल हिज सिनफुल थाट्स, जो उसके टीयर्स थे, उसके जो आंसू थे, वॉस्ड ऑफ वो धुल दिए, ऑल हिज सिनफुल थाट्स, सारे जो उसके पाप, जो पाप के जो पाप था उसका, जो है थाट्स था, मतलब सोच रहा था, जो सोच विचार था, उसके विचार थे, जो पापी विचार थे, वो सब उस आंसू में धुल गया। द ओल्ड मर्चेंट टुक हिज सन इन हिज आर्म्स एंड किस्ड हिम, जो ओल्ड मर्चेंट था, टुक हिज सन, अपने पुत्र को जो है उठाया, इन हिज आर्म्स अपनी बाहों में, एंड किस्ड हिम और उसको किस किया। ही पैटेड हिज ग्रैंडसन्स बैक, उसने जो है थपथपाया, पैटेड किया, इसे थपथपाना, हिज ग्रैंडसन्स बैक, जो है पीठ, जो है अपने जो है नाती का पीठ उसने थपथपाया ऐसे, एंड एडवाइज्ड हिम और उसको एडवाइस दिया, उसको जो है बोला, एक जो है उसको सलाह दिया, टू ऑलवेज बी रिस्पेक्टिव टू हिज पेरेंट्स, कि हमेशा जो है अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो रिस्पेक्टिव रहे, मतलब कि आदरणीय रहे, ठीक है, अपने रिस्पेक्ट करता रहे अपने पेरेंट्स का। द डॉटर इन लॉ आल्सो फेल्ट सॉरी, जो डॉटर इन लॉ थी, जो है उसकी जो बहू थी, वो भी सॉरी महसूस की, वो गलती महसूस की अपनी, फॉर हर मिस डीड, जो उन्होंने बुरा काम किया था, मिस डीड किया था, बुरा काम किया था, बुरा व्यवहार किया था, उसके लिए उसने जो है सॉरी फील किया। द ओल्ड मैन फॉरगेव देम, जो बूढ़ा आदमी था उसको माफ़ किया, फॉरगेव, ऑल एंड द गुड डेज अगेन स्टार्टेड फॉर द फैमिली, क्या कह रहा कि द ओल्ड मैन फॉरगेव देम ऑल द ऑल, जो सब कुछ गलतियां थी उसको जो उस ओल्ड मैन ने माफ़ कर दिया, एंड द गुड डेज अगेन स्टार्टेड फॉर द फैमिली, और अच्छे दिन फिर से स्टार्ट हो गए उस फैमिली के लिए, उस परिवार के लिए अच्छे दिन फिर से शुरू हो गए। अब मीनिंग है आपका मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स व्यापारी होता है, पर्सन हु ट्रेड्स, ट्रेड्स मीन्स व्यापार करना होता है, ऐसा आदमी जो व्यापार करता है उसको मर्चेंट बोलते हैं। नेबर्स, नेबर्स मीन्स पीपल लिविंग नियर बाई, जो नज़दीक में लोग रहते हैं उनको पड़ोसी बोलते हैं, नेबर मीन्स पड़ोसी होते हैं। चिडिंग्स, चिडिंग्स मीन्स इंसल्ट या स्कॉल्डिंग, इंसल्ट करना जो है, बेइज्जती करना, स्कॉल्डिंग करना, फटकारना वगैरह होता है चिडिंग्स मीन्स। सिनफुल मीन्स बैड, जो बुरा होता है उसको सिनफुल बोलते हैं। हम्बल मीन्स हैविंग नो प्राउड, मतलब कि कोई गर्व नहीं होता, बहुत ही जो बहुत अच्छे व्यवहार के लोग होते हैं उनको जो है हम लोग हम्बल बोलते हैं। डिजीज मीन्स इलनेस, बीमारी जिसको बोलते हैं। हॉरिबल मीन्स फियरफुल, ठीक है, डरावना जो होता है उसको हॉरिबल बोलते हैं। चैरिटी मीन्स आर्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब कि जो चैरिटी मीन्स होता है दान करना, दया भाव रखना, ठीक है, तो ये चैरिटी होता है। ये रहा आपका जो है चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट जो है वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू।